मास्क हो रहा, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन माई क्लिनिक. और हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन सी डेफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का इशू भी आजकल बहुत ज़्यादा है. डायबिटिक्स एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ये जो हैं इनको जिंजिवाइटिस बहुत ज़्यादा होता है. आवाम के दिमाग में पता नहीं कौन लोग डाल रहे हैं कि स्केलिंग कराने से दांत वीक हो जाते हैं, या तो कोई उनमें बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, एंड देयर कैन बी 101 रीजंस. आप देख रहे हैं ग्रीन प्लस हेल्थ. अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हेना ज़ेब फ्रॉम टूथ केयर क्लिनिक फेज 5 बहरिया. आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दैट इज़ जिंजिवाइटिस. व्हाट वी कॉल जिंजिवाइटिस इन जो नॉर्मल लैंग्वेज में मास्कोरा, दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन माय क्लिनिक. पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है गम से, सुबह में उठ रहे हैं तो मुँह में ब्लड है, ब्रशिंग कर रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रही है, या बैड स्मेल आ रही है मुँह से, दैट इज़ कॉल्ड हेलिटोसिस इन आवर लैंग्वेज. ये क्यों है और इसके क्या रीजन्स हैं? बेसिकली दिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है. इसके सेवरल कॉजेज हैं, 100+ रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से बेसिकली जो मेन रीजंस आजकल मिल रहा है वो ये है कि आप अपनी ब्रशिंग टेक्निक्स ठीक नहीं हैं, आप लोग अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहे, और हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन सी डेफिशिएंसी एंड मैनी मोर, इवन टेंशन, डिप्रेशन, दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आपके गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है और पेशेंट को क्या साइंस एंड सिम्टम्स इसके आते हैं? सबसे पहले ये होता है कि आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको आपके गम्स में से ब्लड आ रहा होता है, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड. और उसके बाद ये होता है कि सुबह में उठता है पेशेंट तो उसके मुंह में ब्लड होता है विदाउट ब्रशिंग द टीथ. ये इसकी सीवियर किस्म की जो कंडीशन होती है, जो सीवियर स्टेज चली जाती है, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, उसमें ये होता है. इसमें ये होता है पेशेंट हमसे आके कंप्लेंट कर रहा होता है कि हमारे टीथ मोबाइल हो गए हैं विदाउट एनी रीज़न. ऐसा नहीं होता, टीथ आपको साइंस देते हैं, सिम्टम्स देते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट हम उसको बॉदर नहीं करते. जब आपके मुंह से बैड ब्रेथ स्टार्ट होती है तो दैट इज़ अ साइन कि आपके गम्स इन्फ्लेम्ड हो गए और देर इज़ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इसमें रेडनेस ऑफ गम्स हो जाती है, स्वेल हो जाएंगे गम्स, और आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है. बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का इशू भी आजकल बहुत ज़्यादा है. अब जिंजिवाइटिस की दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जिंजिवाइटिस. जो रिवर्सिबल जिंजिवाइटिस है उसमें यह है कि अगर पेशेंट हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में आता है तो हम इसको देर इज़ अ क्योर फॉर दिस डिजीज़ कि हम आपको स्केलिंग एडवाइस करते हैं, डीप क्यूरेटेज कर देते हैं, कुछ विटामिंस देते हैं जिससे ये हीलिंग हो जाती है. लेकिन जब हमारे पास पेशेंट एक्सट्रीम स्टेज में इसके जो लेवल 3 स्टेज है उसमें आता है तो उसमें उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. उस वक्त पेशेंट के टीथ मोबाइल हो चुके होते हैं और पेशेंट हमसे आके कह रहा होता है कि आप इनको सेव कर लें. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें और ख़ुद आप एनालाइज करते रहें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है. डायबिटिक्स एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ये जो हैं इनको जिंजिवाइटिस बहुत ज़्यादा होता है. जब आपका बीपी हाई होगा तो आपके गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो भी ऑब्वियसली बढ़ जाता है. और इसके अलावा डायबिटिक्स को तो आई एंड टीथ, दीज आर द मेन साइंस जो आपको बताते हैं आपकी पूरी बेसिकली जो माउथ है दैट इज़ द मेन गेट ऑफ योर बॉडी. हाँ, आप दुनिया का बेस्ट फूड भी खा रहे हैं और अगर आपके टीथ क्लीन नहीं है, आपकी ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तो यू आर टेकिंग बैक्टीरियाज विद योर फूड, इवन कितना भी एक्सपेंसिव फूड है. एंड डेफिनेटली वो आप इनडायरेक्टली अपना स्टमक भी डैमेज कर रहे हैं और बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी, ऑब्वियसली वो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही. इसका क्योर क्या है? अब इसमें नॉन जो हमारे पास आता है दो टाइप्स के आते हैं, प्लाक इंड्यूस, उसमें तो ये है कि आप स्केलिंग कराएं. जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आज है पाकिस्तानी आवाम के दिमाग में, पता नहीं कौन लोग डाल रहे हैं कि स्केलिंग कराने से दांत वीक हो जाते हैं. आई डोंट नो, हर पेशेंट मुझसे ये क्वेश्चन कर रहा है. स्केलिंग करवाने से प्लीज़ आप लोगों के दांत वीक नहीं होते, दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्ट. बेसिकली हम उसमें कैलकुलस रिमूव करते हैं आपके दांतों से और कुछ भी नहीं. पेशेंट को लग रहा होता है हमारे दांत पता नहीं जो हैं ग्राइंड करनी है, देर इज़ नथिंग लाइक ग्राइंडिंग. ये सिर्फ एक वाइब्रेशन आती है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, जिससे कैलकुलस रिमूव हो जाता है और वो फॉर द टाइम बींग आपको अपने दांत थोड़े रफ फील होते हैं और वो भी पॉलिशिंग कराएं तो वो स्मूथ हो जाते हैं. और सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग नहीं की जा रही पाकिस्तान में. पॉलिशिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट इज स्केलिंग. और स्केलिंग ये नहीं है पेशेंट कहते हैं जी 2 साल पहले कराई थी, 4 साल पहले कराई थी, फिर से हो गया. स्केलिंग आपको एवरी 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है. और एवरी 6 मंथ्स अगर आप नहीं करवा रहे तो चले एटलीस्ट ईयरली तो करवाएं, मतलब एवरी ईयर आपने स्केलिंग लाजमी करानी है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओरल हाइजीन में. बाहर सारे कंट्रीज़ में तो ये हर पेशेंट मतलब हर बंदा करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में यही क्वेश्चन ही ख़त्म हो रहा है कि स्केलिंग हेल्पफुल है, हार्मफुल है, स्केलिंग से दांत वीक होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ दीज आर द मिसकॉन्सेप्ट्स, इन्हें ख़त्म कर दें आप लोग. बाकी ये है कि अपना माउथ वॉश यूज़ करें. माउथ वॉश यूज़ करने का भी हमारे ट्रेंड्स ही नहीं है. सबसे बेस्ट जो माउथ वॉश है जो नेचुरल भी है, दैट इज़ सेलाइन गॉगल्स.
नीम गर्म पानी लें, उसमें नमक डालें और रात को सोने से पहले उसे गॉगल्स कर लें। आजकल जो मुझे मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब मुझे जो बात परेशान करी है कि छोटे छोटे बच्चों में जिंजिवाइटिस आ रहा है, बच्चों के गम्स इन्फ्लेम्ड हैं, माएँ आ रही हैं, रेडनेस हुई हुई है शदीद किस्म की। बेसिकली इतनी अर्ली एज में ऑब्वियसली ओरल हाइजीन भी मेंटेन करनी होती है, लेकिन उस टाइम में जब ये हो रहा है तो देर इज़ डेफिनेटली सम डेफिशिएंसी, या तो कोई उनमें बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, एंड देर कैन बी 101 रीजंस। तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर नहीं करें, उसको देखें कि ये किस वजह से है और अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल करें। देखते रहिए ग्रीन प्लस हेल्थ।